हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा मौजूद रहीं। कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा चुका है और पानीपत शुगर मिल में 90 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट शीघ्र ही लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोहतक, करनाल, सोनीपत, जींद, कैथल, महम, गोहाना और पलवल शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि देश में किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देने वाला हरियाणा प्रदेश है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान हितैषी हैं और सदैव किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए जल्द ही गन्ने के भाव तय किए जाएंगे। किसानों के गन्ने की बकाया राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है। केवल एक शुगर मिल का शेष है, उस शुगर मिल के किसानों की बकाया राशि का भुगतान भी जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने आगे कहा, किसानों के लिए गन्ने की नई किस्म 15023 तैयार की गई है। इस किस्म को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भी जल्द ही इस किस्म के सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस किस्म का ज्यादा से ज्यादा बीज तैयार किया जाए ताकि किसान इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें और लाभ उठा सकें। इस किस्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, पिछले साल इस नई किस्म की बिजाई करने वाले किसानों को भी सत्यापन करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि सहकारी शुगर मिल और प्राइवेट शुगर मिल के उत्पादन में जो अंतर है, इसे दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा, इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर शुगर मिलों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस साल शुगर मिल का पिराई सत्र पिछले सत्र से पहले शुरू किया जाएगा ताकि किसान आगामी फसल की बिजाई आसानी से कर सके। बता दें कि बैठक में गन्ने की नई किस्म को तैयार करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल को 50 एकड़ भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश के किसानों को नई नई किस्म के बीज उपलब्ध कराए जा सके। इसके अलावा पुरानी गुड़ खंडसारी इलाके के लाइसेंस नवीकरण करने और नई इकाइयों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया। पिछले साल 168 गुड़ और 2 खंडसारी इकाइयों को लाइसेंस जारी किया गया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।